बॉलीवुड के ट्रे जड्डी किंग कहे जाने वाले एक्टर दिलीप कुमार का करियर काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही। जहां एक तरफ खुद से आधी उम्र की सायरा बानो से शादी करना, तो दूसरी तरफ एक तीन बचाई की माँ से दूसरी शादी करना। इस बात का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुलम खुला में भी किया है। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुलम खुला में जिक्र किया है कि यश जौहर की एक फिल्म में ऋषि कपूर के अलावा दिलीप कुमार, प्राण, अशोक कुमार, अमरीश पुरी और अमृता सिंह साथ काम रहे थे। फिल्म का एक सीन शूट करने के दौरान अचानक से एक्टर अशोक कुमार ने दिलीप कुमार से पूछा कि यूसुफ मुझे ये बताओ, हमसे एक बीवी नहीं संभाली जाती, तुम दो बीवियां कैसे संभालते हो? ऋषि कपूर लिखते हैं कि इस सवाल को सुनकर मेरी तो हंसी निकल पड़ी। वहीं दिलीप कुमार ने बहुत ही शांति से अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अशोक भैया पहले सीन शूट कर लें, फिर इस बारे में बात करेंगे। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, पाकिस्तान में जन्मे दिलीप कुमार और उनकी सायरा बानो शादी के 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में तलाक होना जहां आम बात है, वहां यह जोड़ी एक मिसाल मानी जाती है। हालांकि दिलीप और सायरा की शादी भी विवादों से दूर नहीं थी। दोनों के बीच उस वक्त दरार पड़ गई जब दिलीप कुमार की लाइफ में पाकिस्तानी लेडी आसमा आ गई थी। यही नहीं, दिलीप ने सायरा को तलाक देकर आसमा से शादी कर ली थी। आसमा और दिलीप कुमार की मुलाकात हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों का अफेयर लंबे समय से चला था। लोगों के सवाल से बचने के लिए दिलीप कुमार ने घर से निकलना तक छोड़ दिया था। कहा गया कि आसमा दिलीप साहब को धोखा दे रही थी, इस वजह से उन्होंने आसमा को तलाक दिया और वापस सायरा की ओर लौट आए। इस अफेयर का जिक्र उन्होंने अपनी बायोग्राफी द सबस्टेंस एंड द शैडो में किया है। दिलीप लिखते हैं कि मेरी लाइफ का ये एपिसोड था जिसे हम दोनों ही भूलना चाहते थे और हमने भूला भी दिया है। जब मेरी मुलाकात आसमा से हुई तो वह अपने पति के साथ रह रही थी, वह तीन बच्चों की माँ थी। आसमा से मेरी मुलाकात मेरी बहन फौजिया और सईदा ने कराई थी। आसमा मेरी दोनों बहनों की दोस्त थी। पहले मुझे लगा कि वह भी मेरे दूसरे फैंस की तरह ही होगी। आखिरकार 1980 में दिलीप और आसमा ने शादी कर ली थी। इस बीच यह खबरें थी कि सायरा माँ नहीं बन सकती, इसलिए दिलीप साहब को दूसरी शादी करनी पड़ी थी। 1982 में उनका और आसमा का तलाक हो गया था। वहीं पिता न बनने पर दिलीप ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, सच्चाई यह है कि 1972 में सायरा पहली बार प्रेग्नेंट हुई। 8 महीने की प्रेगनेंसी में सायरा को ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई। इस दौरान पूरी तरह से डेवलप हो चुके भ्रूण को बचाने के लिए सर्जरी करना संभव नहीं था। आखिरकार दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। उनके मुताबिक इस घटना के बाद सायरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। हालांकि हमें बाद में पता चला कि सायरा की कोख में बेटा था।